लड़के मोदी भक्त मिल गए हैं, पूरे शरीर पर पेंट कराकर और लिखवा लिए हैं अब की बार 400 पार और चाय बेच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर नमस्कार, मुजफ्फरपुर जिला से हम आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं, यानी सचिन तेंदुलकर को भी चाहने वाला मुजफ्फरपुर का था, आप भी मुजफ्फरपुर के हैं? जी हम भी मुजफ्फरपुर। यानी चाय बेचते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? सर अभी तक तो हम दिल्ली गए हैं, हरियाणा गए हैं, झारखंड गए हैं, पूरा भारत। हाँ जी। बताइए मोदी जी से इतना प्यार, इतना लगाव कि मोदी जी से मिलने के लिए आज तक मिले या नहीं मिले मोदी, या भारत का दौरा आप कर लिए? नहीं सर अभी तक तो मिले नहीं, लेकिन आपके चैनल से प्रयास कर रहे हैं मोदी जी से। देखिए एक बार शरीर दिखाइएगा इनका, देखिए मोदी जी का तस्वीर है, अब की बार 400 पार लिखा हुआ है, बीजेपी का झंडा झुकने नहीं देना है, और पीछे क्या लिखा हुआ है देखिए, पीछे जय हिंद लिखा हुआ है पूरा एकदम, देखिए पेंट करा लिए हैं, और ये मुजफ्फरपुर से चलकर दरभंगा आए हैं। क्या आप चाहते क्या है, मोदी जी मिले आपसे? जी सर हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे, मेरा सपना है मोदी जी का कप चाय पिलाने का, वो मेरा पूरा बह जाए। अच्छा मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं, कुछ खास बात? सर मोदी जी की कृपा से आज आत्मनिर्भर भारत बनने का मौका मिला, और हम चाय बेच के अपना घर परिवार को चलाते हैं, बच्चों को। पहले क्या करते थे? पहले सर हम बहुत आर्थिक स्थिति खराब था, पेंटे काम करते थे, राजमिस्त्री काम करते थे, बहुत सी जगह काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजमिस्त्री के काम से ज़्यादा प्रॉफिट इस चाय में? नहीं सर, ये रोज़ का रोजगार हो गया अपना, काम ढूंढना नहीं पड़ता, अपना कचहरी मुजफ्फरपुर कोर्ट में घूम के चाय बेचते हैं, ये रोज का अपना वर्क हो गया। पढ़े नहीं थे क्या उस समय में? पढ़ाई किए थे? ज़्यादा नहीं पढ़े, नौवीं तक पढ़े थे। तो मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत, तो आप आत्मनिर्भर के चक्कर में चाय ही बेचने लग गए? जी सर चाय बेचने लगे। कितना कमा लेते हैं रोज़? सर 600-700 रुपये आप लोग का आशीर्वाद से हो जाता है। बस 600-400 रुपया? अच्छा जी, उसमें घर परिवार चल जाता है? अभी तो बहुत महंगाई हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, तो 600 में गुजारा हो जाता है? जी सर हो जाता है। घर में सिलेंडर है? हाँ सिलेंडर है। कितना में भराते हैं? 950 में सर। बताइए महंगा तो है ना, 600 रुपये आप रोज़ कमाते हैं सर, रोज़ का तो रोज़गार भी तो है सर, इससे अपना चल जाता है। यानी हर जगह आप चल जाते हैं? जी सर। यानी लेकिन मतलब अभी तक चलेंगे, जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ भी पता चलता है कि मोदी जी पटना आ रहे हैं, मोदी जी समस्तीपुर आ रहे हैं, मोदी जी दरभंगा आ रहे हैं, हर जगह आ जाते हैं? जी सर हर जगह आते हैं। अच्छा ये महंगाई जो बढ़ रही है वो आपको कैसा लग रहा है महंगाई? सर खर्चे भी तो सर बढ़ गए हैं, अब सर चार चक्का से जिम में जाते हैं, जहाँ जाके साइकिल चलाते हैं। अच्छा मोदी जी से आप प्यार करते हैं, मोदी जी की तो हर बात पता होगी आपको, है ना? जिससे हम प्यार करेंगे उससे तो लगाव होगा, तो हर बात पता होगा। जी सर। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में सुने हैं? जी सर। बीफ एक्सपोर्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है, जो गौ मांस की तस्करी होती है भारत में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है भारत। जी 250 करोड़ चंदा लिए बीजेपी? नहीं सर इसके बारे में नहीं मालूम ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी से मिलना है। जी सर सपने को पूरा करना है, चाय पिला के सपने को पूरा करना है। और नौकरियां मोदी जी ने वादा किया था, आप मोदी जी के फैन हैं बहुत बड़े, मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, अभी तक मात्र 7 लाख नौकरी आया है। बोलिए मोदी जी, आप तो फैन हैं मोदी जी का, बोलिए ना नौकरी देगा लोगों को। हाँ सर नौकरी तो मिलेगा ही, बताइए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए पर गुहार लगाइए, आपकी सुनेंगे, आपकी बात जाएगी वहाँ तक, क्या कहिएगा मोदी जी? मोदी जी युवा को नौकरी दे, ये कहेंगे बस। देखिए ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी युवा को नौकरी दें, और काफ़ी युवा भी हैं यहाँ।